हिसार में किसानों का 130वें दिन भी धरना जारी रहा। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार है कि इनकी मांगे मानने को राजी नहीं हो रही है। एक बार फिर आंदोलनकारी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंक कृषि संबंधी पास किए गए विधेयक का कड़ा विरोध किया। साथ ही किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि 28 अगस्त को सुबह 11 बजे जाट धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चा की उपरोक्त मुद्दों को लेकर बैठक की जाएगी, जिसमें 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाले किसानों की महापंचायत में भाग लेने के लिए भी रूपरेखा तय की जाएगी। आज का जो ये पुतला फूंका है, 24 तारीख का जो विधेयक पूरे हरियाणा की जमीन, चाहे वो खेत की है, चाहे गोचर भूमि है, चाहे जोड़ की है, चाहे तालाब की है, उसको उपायुक्त महोदयों को वसीयत दे दी, पावर दे दी कि आप अपनी मर्जी से जिस भी कंपनी को चाहे उसको दे सकते हैं। 50% पेमेंट करने के बाद में उसके ऊपर उस संस्था का या उस कंपनी का कब्जा होगा। किसान उसमें न कहीं अपील कर सकता, न को दलील कर सकता, न भाव मोल निर्धारित कर सकता, सब उपायुक्त महोदय के। इसका मतलब ये हुआ कि विधेयक के द्वारा पूरे हरियाणा की जमीन, हर तरह की जमीन इन्होंने वसीयतनामा उपायुक्त महोदयों के दे दिया। हम कहते हैं इस विधेयक को हम किसी भी सूरत में जो है सहन नहीं करेगा। हरियाणा का किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शहरी आदमी हो, चाहे ग्रामीण आदमी हो, क्यों ये सभी के ऊपर लागू होता है। इसलिए हमने विरोध दर्ज करते हुए आज ये पुतले फूंके हैं। कल जाट धर्मशाला में एक बड़ी मीटिंग होगी, उसके अंदर हम फैसला लेंगे कि आगे रणनीति इन विधेयकों को लेकर हिसार जिले के अंदर क्या होगी, इस प्रदेश में क्या होगी, वो प्रदेश के मतलब संयुक्त मोर्चा फैसला करे। बताया जा रहा है कि साल 2020 में ओलावृष्टि, सफेद मक्खी और 2021 जल भराव से बर्बाद हुई फसलों का सरकारी गिरदावरी अनुसार बगैर बीमा किसानों को 284 करोड़ मुआवजा तक नहीं मिला। साथ ही किसानों को डीजल तेल पर 50% सब्सिडी देने आदि मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर चल रहा किसानों व मजदूरों का बेमियाद धरना पिछले कई महीनों से जारी है। किसानों का कहना है कि जब उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, जिसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भुगतना पड़ेगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।